Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुड मॉर्निंग बेहतरीन मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। मैं थोड़ा सा मॉनिटर पे अपनी इतनी घोस्टली चेहरा देख के डर गई थी, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो थोड़ी देर में मुझे समझ आई। आज मैं आपको और जो है कोई बात नहीं करूँगी, कोई नसीहत नहीं करूँगी। आज हमारे एक बहुत ही प्यारे टीम मेम्बर के बेटे की, बहुत ही प्यारे से बेटे की पहली सालगिरह है, तो हम सब मिलकर जो है यहाँ पर उन्हें विश करेंगे। अब्बास जावेद, आज आपकी पहली बर्थडे है। आई वॉन्ट कि ये चीज़ जो है रिकॉर्ड हो और जब आप 18 ईयर्स के हो जाएँ तो आपको ये दिखाई जाए। तो आई थिंक सो आंटी ज़्यादा प्यारी आवाज़ में आपको विश कर रही हैं, तो मैं चुप्पी कर जाती हूँ, है ना। अल्लाह ताला आपको लंबी खुशगवार नेक जिंदगी दे, यही मेरी आपके लिए दुआ है। एंड कंग्रेचुलेशंस कामरान, कामरान के बहुत ही प्यारे से बेटे हैं और छुपा के रखा हुआ, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। मुझे लगता है कहीं तस्वीर उन्होंने अपलोड नहीं की इनकी आज तक, लेकिन आज टीवी पे दे दी है माशाल्लाह से, ताकि पूरी दुनिया को जो है हम दिखा दें। तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं और हमेशा जो है ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और एक प्यारी सी इनकी ज़िंदगी जो है अपने अम्मी अब्बू के साथ गुजरे। कंग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स एंड अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे अब्बास जावेद। आज जो मैंने वैसे बात करनी थी वो आपके फ्यूचर के लिए है, तो अपनी सुंदस आंटी तो कभी भी नहीं कहूँगी, सुंदस आप ही की तरफ से भी जो है ना, हमेशा की आप ही, ठीक है, बेशक हमारी उम्र में जितना भी फ़र्क हो, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप जब ये बड़े होंगे तो ये रिकॉर्डिंग देख के याद करेंगे कि कितने आपको प्यार करने वाले लोग थे। आज जो मैंने आपसे बात करनी थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी जल्दी से मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी ओ लेवल्स में और मैट्रिक में जा रहे होंगे और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सब्जेक्ट्स चूज़ करने का, तो मेरी छोटी सी जो है वो नसीहत, पेरेंट्स प्लीज़ अपने पल्ले बांध लें कि जिस सब्जेक्ट्स में आप उन्हें धकेलेंगे, जिस जगह पर आप उन्हें कहेंगे नहीं यही पढ़ो यही पढ़ो यही पढ़ो, अगर आपके बच्चे का वो कैलिबर नहीं है तो वो उसमें एक्सेल नहीं कर सकेगा। बेशक वो आपकी ख्वाहिशात थी कि आप मेडिकल नहीं कर सके, आप ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, और आप वो आप सारी जो है अपने बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, उनको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी चीज जो है वो मुसल्लत करना कि नहीं आपने यही करना है, वो आगे जाकर ये नहीं कर सकेंगे, तो प्लीज ऐसा उनके ऊपर मत कीजिएगा। इससे एक छोटा सा वाक्य रिलेटेड है, वो ये कि रूमी एक दफा जो है अपने जितने भी उनके डिसाइपल्स थे उनको एक सबक सिखाना चाह रहे थे, और उन्होंने एक किसान उन्हें दिखाया जो कि कुआं खोद रहा था, और वो एक जगह खोदता था, फिर देखता था यहाँ पे कोई पानी नहीं, वो दूसरी जगह चला जाता था, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, तो उसने एक भी जगह जो है वो कुआं खोदने की पूरी कोशिश नहीं की, उसने पूरा खेत भी खराब कर दिया, थक भी गया और वहां पर जो है कोई कुआं भी नहीं निकला। और इस वक्त उन्होंने ये लेसन दिया कि किसी भी चीज के अंदर अगर आप अपनी पूरी मेहनत और दिल लगा लो और अपना ईमान रखो कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, तो वहां से कुछ ना कुछ आपको फल मिल ही जाता है, बजाय इसके कि आप दूसरों के मशवरों पर और कंफ्यूजन में एक चीज दूसरी चीज तीसरी चीज चौथी चीज में छलांगे मारते रहो। तो प्लीज थोड़ा सा फेथ अपने बच्चों में रखें, उन्हें गाइड करें, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालें और उनको वो चूज करने दें जो उनका कैलिबर है। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है सब्जेक्ट्स चूज करने का, क्योंकि मैं जो हूँ काउंसलर भी रही हूँ, तो कभी हम इसके ऊपर शो करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह जो है आप अपने बच्चे को बेस्ट फील्ड में जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि प्लीज उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए। सवाल मेरा आज आपसे ये है कि बचपन या फिर खोई हुई मोहब्बत में से अगर आप को एक चीज वापस मिल रही हो तो आप क्या चुनेंगे? गेस मैं आज की अनाउंस करती हूँ। चलो हमारे साथ होंगे किरण उस्मानी जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ होंगे डॉक्टर सदाकर जो कि मैरिज एक्सपर्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स होते हैं बाप बेटे का, माँ बेटी का, और उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह की टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, डिटेल में मैं आपको बाद में बताती हूँ। शेफ बहादुर होंगे जो बना रहे हैं क्रिस्पी फिश चिली विद वेजिटेबल्स एंड स्टीम राइस, और हमारे पास एंजल्स ब्यूटी सैलून का जो है पूरा मेम्बर्स आए हैं, सारे मेम्बर्स कह रही हूँ, क्या कहते हैं, What do you call them? All the people who work in the parlor. कभी कभी ना आपका बिल्कुल दिमाग जो है वो हो जाते हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और वो आपको सिखाएंगे आई मेकअप समर का, किस तरह हाउ टू मेक योर आईज ब्राइटर वाइडर मोर ब्यूटिफुल। एंजल्स ब्यूटी सैलून की टीम जब यहाँ पर आएगी तो हमें बताएगी। छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक कर आप सारे।
वेलकम बैक टू बहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे किरण ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या अल्लाह अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। सैफायर की ये मेहरबानी है, मैं हमेशा बता देती हूँ। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं आज? फुल बॉडी वर्कआउट है। तो लास्ट टाइम मैंने अपने थोड़ा सा लोअर बॉडी को फोकस रखा था, लेकिन आज हम अपर बॉडी को फोकस रखेंगे। ठीक है, जैसे बैक हो गया, चेस्ट है, शोल्डर्स है, एंड ऑफ कोर्स आर्म्स है। ठीक है, सो और लेकिन थोड़ा सा इसमें कार्डियो भी मैं ऐड की है ताकि ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि काफी लोग कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करते हुए जो है वो स्वेट करना चाहिए। बिल्कुल राइट। और अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा गर्म हो जाते हैं या कुछ, तो उससे मतलब अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं तो फौरन से एसी में मत जाएं, लेकिन जिम में एसी होता है तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? जिम में ऐसे है कि वो जो एसी भी हो लेकिन वो मॉडरेट होती है। ठीक है। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट इसी, वैसे भी अगर आप एक्सरसाइज करें या ना करें, इसी आपके लिए काफी नुकसानदेह है, आपकी बॉडी को ज्यादा स्टफ रखता है। ठीक है। ये है कि अगर आप बिल्कुल अपने आप को स्वेट करेंगे और बिल्कुल इसी भी बंद रखना है और पैंट्स भी, और अपने आप को बिल्कुल ज्यादा स्वेट रखने, वो लोग यही कॉन्सेप्ट रखे हुए अक्सर के और वो एडवर्स है। ठीक है, वर्स्ट है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मसल सोर्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन होती है। जब उनको स्वेट होते हैं तो वो वाटर का इनकम आ जाती है, तो उनको स्वेलिंग स्टार्ट होती है। तो वो समझते हैं कि हाँ मेरा फैट डिसॉल्व हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिहाइड्रेट कर देंगे तो ज्यादा नुकसान, जितना आप डिहाइड्रेट होते हैं उतने आपके बॉडी में मसल्स में सारे सोरनेस आना शुरू हो जाती है। सो मेन आपका ज्यादातर वो इसी या ठंडा पानी थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना वो लोग उनका डिहाइड्रेशन से होती है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है, इसलिए जो वो ये समझ रहे हैं कि मुझे ठंडा लगा इस वजह से मेरा सोरनेस आया। बात ये है कि उनको स्वेट हुआ है। एक्चुअली आपकी जो है वो जितनी बॉडी में पानी कम होगा उतना ज्यादा आपके मसल सोर होंगे। वो ठंड या गर्म की वजह से नहीं होते, वैसे डायरेक्ट एसी में मत खड़ा होता। एग्जैक्टली, वो भी है। वैसे भी अगर आप एक्सरसाइज करें या ना करें, फिर भी डायरेक्ट से इतना अच्छा नहीं होता आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करें? यस श्योर। चलिए ओके। अच्छा, ये एक और बात उसको मैं रिपीट करूँगी, बता दूंगी कि जब आप जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, प्री वर्कआउट और आज पोस्ट वर्कआउट के लिहाज में आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। जब आप एक्सरसाइज से पहले तकरीबन आपने 10 to 20 मिनट पहले आपने एक बनाना यूज़ करें। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं है कि आप कहेंगे कि बनाना जो है वो आपको फैट करेगा या बहुत मोटा करेगा। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप कुछ भी अच्छे खाएंगे तो वो आपको बॉडी में लगेगा, नॉट वो फैट में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ताकि ये आपको एनर्जी आएंगे और आप एक्सरसाइज सही तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी नहीं खाते, तो ये होता है कि एक्सरसाइज ही है आपको बहुत ज़्यादा इन्वर्स होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करके, तो फिर आपने 2 एग ज़रूर बॉयल करके आपने खा लेना। ठीक है, या अगर आपने लंच के टाइम कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट से पहले कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपने पहले से थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लेना, उसके बाद फिर आप प्रोटीन इनटेक करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आप मसल के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल जो है ना वो सोर्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बता भी रही हूँ, साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। ठीक है, आपने ये वार्म अप है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपने जितने 10 to 20 मिनट आपने एक्सरसाइज किया, सो ये आपके एक्सरसाइज होंगे, कार्डियो होंगे। ठीक है, यस। 30 to 1 minute, ठीक है, यस, ओके। नाउ हम थोड़ा सा ने क्या करना है, चले चलना है। ठीक है, हाई हील पे चलना है, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अपने हील को ना उठाना है, नी डाल, लाइक दिस, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगेन आपने जितने आपकी स्पेस ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है, आपने रन करना है, रन के करने के बाद आपने टच करना है। ठीक है,
फ्लोर को टच करना है, फिर आपने रन करना है, फिर फ्लोर को टच करना है। एक बार आपने साइड बाय साइड रन करना, उसके बाद एक मिनट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रन करना है लाइक दिस। ठीक है, ये अभी मैं वन प्लेस रन कर रही हूँ, लेकिन आपने फुल रन करना है। ये तो हो गया आपका वार्म अप प्लस कार्डियो। कार्डियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं कार्डियो कर रही हूँ, ठीक है, आपने स्टार्टिंग इसको वार्म अप के तरफ वार्म अप समझ के आपने एक्सरसाइज के मेन एक्सरसाइज के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट अगेन आपने ये रनिंग कर लीजिएगा। तो इससे ये होता है कि जो लास्ट जितने भी मतलब आपके पास वो जो फैट बर्न का प्रोसेस चलता है ना, फैट बर्न पॉइंट जिसे कहते हैं, वो हिस्सों को टच करता है, ठीक है, वो पॉइंट पहुंच जाती है। यस, ओके, चले अब हम आते हैं मेन एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने क्या बताए थे, अपनी लेग्स की बताई थी, स्क्वाट्स किया था, लंजेस वगैरह किया था। आज मैंने अपनी अगेन सबसे स्टार्ट करती हूँ शोल्डर से, शोल्डर के बाद फिर बाइसेप ट्राइसेप एंड अगेन हमने बैक के लिए। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं उससे बैक के। मैंने देखे आपने बैक स्ट्रेट रखना है और थोड़े से छः छो आप रखना है, स्ट्रेट रखना है। ठीक है, हिप को थोड़ा आउट करना है, नॉट इन द फ्रंट, बिल्कुल हप। यहाँ से आपने जो डंबल लेना है, ठीक है, वो आपने इस बिल्कुल सामने फ्रंट साइड से हो, फिर यहाँ आपने रो करना है, फिर वापस आना है। अच्छा, ये डंबल है, डंबल के साथ आपने रॉड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही फॉर्म से आप रेजिस्टेंस बैंड भी यूज़ करते हैं और डंबल जो मैंने बताया, ठीक है, और रॉड से भी के, रॉड से लेके ना, जैसे समझे कि ये रॉड है, ठीक है, ये लाइक दिस। और अपनी बॉडी को मूवमेंट अप एंड डाउन नहीं करना, बॉडी बिल्कुल शुड बी स्ट्रेट एंड स्टिल। ओके, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। अब दूसरे एक्सरसाइज अगेन बैक का बता रही हूँ, आपने इसी तरह एक थोड़ा सा ऊंचा एरिया में बैठ के और यहाँ से आपने स्ट्रेट रखना है थोड़ा सा बैक, ठीक है, यहाँ से ये लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और फुल स्क्वीज करने, अपनी जो एल्बो है प्लीज एक्सपैंड नहीं करना, और वो आपने सिमेट रहे ताकि आपकी ओब्लिक में और आपकी इस एरिया में लगे, ठीक है, लगे, ओके। वन थिंग, दूसरी बात, अगर आपके पास कोई टेबल है या दीवार भी हो, तो आपने उसको यूं पकड़ के हाथ से ये करना है, ठीक है, तो आप समझे कि मैं स्टैंड में सपोर्ट ले रही हूँ, लेकिन आपने अभी ऐसे ही करना है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, प्लीज फोकस इन दिस फ्रंट में, और आपके जो ये वाले लेटस में दूसरी एरिया है ना, वहाँ पे फोकस रखना है। अच्छा, साथ साथ अपने आप को ऊपर नहीं करना, सिर्फ आपकी बाजू नीचे जा रहा है और बाजू ऊपर आ रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है। मैं तीन एक्सरसाइज किसका बताया, बैक का बताया, राइट, प्लीज नोट डाउन कर दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं किसके तरफ, अपने शोल्डर की तरफ। शोल्डर हमने करना है, ठीक है, आपने जो आपकी एल्बो है वो थोड़ा सा हल्का सा कर्व होना, ठीक है, बेंड सा हो, यही सा आपने ऊपर जाना है, यहाँ ये एक सेकेंड के लिए स्टैंड होके पर चलना है, फिर वापस ये डन, ठीक है। आज मैं ये शोल्डर का बताया और बैक की बताई, ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हो सके तो फिर मैं आपको
चेस्ट और उसका भी बता दूंगी। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आपको सारी एक्सरसाइज जो है ना, मुझे लगता है खुद घर बैठे भी इंस्ट्रक्टर्स बन गए होंगे जितना हम इन्हें सिखाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू किरण फॉर बीइंग हियर। टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू मे हिक्ती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सदाकत ने, जो कि मैरिज एक्सपर्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और बात आज हम करने जा रहे हैं ऐसे मसाइल जो घरों में, सोसाइटीज में, वर्क प्लेस में पेश आते हैं और हम उन्हें गलत तरीके से जो है उनके साथ डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा हमने जो है एक थोड़ा वाइड टॉपिक है और आई थिंक हर कोई इससे रिलेट कर सकता होगा, अगर हम कुछ मिसालें पहले दे दें ताकि लोगों को समझ आए हम किन चीज़ों की बात करें, फिर हम आगे चलें इस पर। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अचानक हमें मुश्किल सिचुएशंस का सामना हो जाता है जब कोई रेड स्टैंड एकदम ले लेता है, यानी कोई ऐसी बात कर देता है जो दूसरे फैमिली मेंबर को बिल्कुल कबूल नहीं है। जैसे कोई बेटा है तो वो कहता है जी मुझे तो आज ही आईफोन चाहिए, और अगर आप नहीं लेके देते तो फिर मैं बहुत नाराज हूँ और मैं बिल्कुल ये और वो और मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा ही या मैं खाना छोड़ दूंगा, या वो कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लेगा। हाँ, इमोशनल धमकियां। वो कहते हैं मैं फिर पढ़ूंगा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के बड़े बड़े जो सुरख झंडे खड़े कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वालिद क्या करें, क्योंकि वालिद को ऐसी मुश्किल सिचुएशन का अचानक सामना हो जाता है और जब बात सामने आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो फिर बंदा जो अपने ग्रीवेंसेस होते हैं, वालिद के ग्रीवेंसेस, कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे दोस्त गलत हैं, तुम रात को देर से आते हो, तुम पार्टियों में लगे रहते हो, तो वो एक अटैक की सिचुएशन बन जाती है। और बेटा फिर कहता है कि जी मैं तो फिर घर से जा रहा हूँ, और वालिद कहता है कि तुम दफा हो जाओ, तुम शक्ल मत दिखाओ कभी, हमारी तो जिंदगी बन जाएगी जब तुम चले जाओगे। इसे हम कहते हैं पार्टिंग किक, यानी कोई जो बंदा धमकियां दे रहा होता है तो उसको एक थोड़ा बहुत जाते हुए एक लात की जरूरत होती है, और वो उसको लात जब वालिद मार देते हैं तो वो फिर घर से चला जाता है। अब मसला ये होता है कि जब कोई फैमिली मेम्बर या खास तौर पर बेटा घर से चला जाता है तो फिर दीगर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ख़ुद वो बंदा यानी वालिद भी अपसेट होते हैं, और इस दौरान उन्हें अब समझ नहीं लगता कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और वो एकदम हथियार डालने पे आ जाते हैं, तलाश शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर मना के वापस लाना और एक लर्निंग देना कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो, जब भी तुमने मर्जी मनमानी हो तो तुम धमकियां दे सकते हो, ये हरकत कर लिया करो। तो ऐसी सिचुएशन है फर्ज करें तो क्या करें। या दूसरी सिचुएशन है कि एक बीवी नाराज हो गई है खामद से, सास बहू का झगड़ा है, खामद कुछ कर नहीं पा रहा, तो बीवी कहती है अगर मुझे अलहदा नहीं रखोगे तो बस मैं आज जा रही हूँ, और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और फिर वो खामद कहता है मैं तंग आ चुका हूँ चीजें, तो जाओ तुम। हाँ, थोड़े दिनों के लिए गया, जो 3-4 महीने गुजार गया हो, मतलब वो कहते तुम कभी वापस ही मत आओ। और फिर 2-4 दिन के बाद खामत को कमी महसूस होने लगती है, और फिर वो हीले बहाने ढूंढता है कि कैसे बीवी वापस आएगी। या इसी तरह कोई एम्प्लॉई जो है वो बॉस को आके कह देता है कि वो कहता है कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ाए नहीं तो मैं जा रहा हूँ, और बॉस उस मौके पे उठा के लाता है वो बातें कि कहाँ कहाँ वो गलत है और देर से आता है और काम नहीं करता और ये है और वो है। और मैंने तो आपको ये डिस्कशन भी दिया हुआ है, ये डिस्कशन भी दिया हुआ है, उसके बावजूद आप ऐसा कह रहे हैं। इसी तरह घर में जो मुलाजम है, कुक है, ड्राइवर है, उनके साथ भी इसी तरह की टॉक हो जाती है, ऐसी गर्मा गर्मी हो जाती है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों में भी कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ नहीं देता तो वो कहते हैं ऐसी तैसी तुम्हारी, मैं यूं कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो आप देखिए कि जिन सिचुएशन को बातचीत से हल किया जा सकता है, क्योंकि इंसान सोच सकता है और अपना ख्याल बर वक्त दूसरे तक पहुंचा सकता है, उन सिचुएशन को जिनको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, जब हम
गुस्सा निकालते हैं, अटैक करते हैं, अगली पिछली बातें जमा करके बोलते हैं और किसी के मुस्तकबिल के बारे में कोई ऐसी गंदी गंदी पेशगोइयां करते हैं कि तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, अंडरमाइन करना किसी को और किसी को एक धक्का दे देना जो आखिरी उसे चाहिए दूर जाने के लिए और खराबियां पैदा जब इससे जो होती हैं उस चीज को जबकि आसानी से हैंडल किया जाता है। लेकिन वो जैसे आप देखते हैं ना सड़कों पे कुछ गाड़ियां कच्चा धुआं निकालती हैं, चलती कम है धुआं ज्यादा निकालती हैं और वो पॉल्यूशन का बायस बनती हैं। तो घरों में जो पॉल्यूशन है, ताल्लुकात में जो फजा खराब हो जाती है वो इस वजह से खराब होती है कि लोगों को ऐसी सिचुएशंस हैंडल करना नहीं आती। हालांकि ऐसी सिचुएशन मिलती जुलती होती हैं और 5-6 होती हैं और उनके लिए हम अपने आप को बहुत आसानी से बातचीत के ज़रिए आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम पहले से ये जान सकते हैं कि ऐसे मौक़ों पे हमें क्या करने की ज़रूरत है जबकि मुश्किल बंदे से वास्ता पड़े, मुश्किल टॉपिक हो, मुश्किल सिचुएशन हो, वक्त कम हो, जज्बात बहुत बिफरे हुए हों और तासुरात और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बिगड़ी हुई हो, तो ऐसे में फिर क्या करें, क्या करना चाहिए। और या कोई बेटा या बेटी अपनी मर्जी की शादी करना चाहता है तो उसके ऊपर जो तूफान बरपा होता है और उससे फिर जो खराबियां होती हैं, तो फौरन ला ताल्लुक होने की धमकियां कि अगर अपनी मर्जी से की तो अगर वहां पर कुछ होता है तो फिर गिला मत लेकर आना, वापस मत आना। या बाप तो साफ कहते थे मेरा मुंह तो नहीं देखेगी, मैं तो शादी में शिरकत ही नहीं करूंगा। अच्छा, इसी तरह ये भी होता है अक्सर देखने में आया कि जो फैमिलियां तरक्की कर जाती हैं सो कॉल्ड, यानी माशरे में माली तौर पर बहुत फ्लुएंट हो जाती हैं और उड़ती फिरती हैं, बैनुल अक़वामी उनकी रहती है, कभी फ़जा में कभी ज़मीन पे, कोई एक बरे आज़म में कोई दूसरे बरे आज़म में और व्हाट्सएप पे और स्काइप पे जब कन्वीनियंट हुआ तो रब्ता कर लिया, लेकिन मिलने पे बड़ी गड़बड़ होती है। घर का जो सरबरा है वो माली तौर पर बहुत तरक्की कर जाता है, शोहरत हासिल कर लेता है या स्टेटस हासिल कर लेता है तो अब वो किसी भी कानून से मुबर्रा हो जाता है। वो कहता है मैं तो चाहूँगा तो ड्रिंक करूँगा, चाहूँ तो मैं देर से रातों को घर वापस आऊँगा, चाहूँ तो मैं कोई ऑफशोर कंपनी खोल लूँ। तो ऐसी सिचुएशन में बाकी फैमिली मेंबर क्या करें, या तो वो चुप कर जाते हैं या फिर फट पड़ते हैं, तो इससे तो मसले हल नहीं होते, हल नहीं होते। तो कैसे वो बैलेंस कैसे ढूंढा जाए? सबसे पहले मुझे लगता है सबसे कॉमन सिचुएशन जो है उस पर बात करते हैं जिसके लिए आपका किसी भी स्टेटस से होना जरूरी नहीं, जो हर किसी की जिंदगी में आती है, वो है बेगम का नाराज हो जाना। नहीं, मुझे लगता है ये हर उसमें, क्योंकि बाकी चीजें जो है मुझे लगता है वो डिफरेंट उसमें भी मैटर करती हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, लेकिन ये एक चीज, चाहे आप अमीर हैं आप गरीब हैं, आपकी बेगम आपको धमकी जरूर देगी घर छोड़ने की, एक ये चीज। और एक हर घर में, आपके घर में जो कोई आता है, जो आपकी मुलाजमा है या कोई, वो आपके बड़े फैमिली मेंबर की तरह ही बन जाते हैं, आपके बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, घर का ख्याल रख रहे होते हैं और उनके साथ आपको इतनी आदत हो जाती है और जब वो आपको ये धमकी देते हैं कि मैडम मैं तो जा रही हूँ, तो उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप हर उनकी जो है ना डिमांड फिर मानेंगे। तो पहले जो है हम ये जरा बेगम पे बात करते हैं। जी सर, क्या किया? अच्छा देखिए, ये मुश्किल रिश्ता है क्योंकि इसमें बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजरता है, एक दूसरे से तोक्वात बहुत ज्यादा होती हैं, खास तौर पर जिस मैरिज में हम अपने कल्चर में जाते हैं, इस मैरिज में तो यूं लगता है कि मैंने बीवी को खरीद लिया है या खामत को खरीद लिया है, इसमें जुड़वा होने का भी बहुत तसव्वुर है, यानी दिन रात जो है कहीं जाना है तो इकट्ठे जाना, साथ है, इनविटेशन साथ आ रही है आपको, प्लानिंग साथ हो रही है, बिल्कुल हाँ, और आपको बहुत सी चीजें शेयर करनी है, आपको कमरा शेयर करना है, बिस्तर शेयर करना है, आपको टीवी का रिमोट आपने शेयर करना है, फिर आपने एक ही कमरे में बैठ के स्मार्टफोन पे कुछ करना है जिस पे दोनों को इतराज होगा, और ऐसा बहुत सा कुछ होता है जो कि मुसलसल होने की वजह से ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। देखिए, कतरा कतरा भी जब किसी नलके से गिरता है तो नीचे पत्थर में काफ़ी एक गड़ा सा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 24 में से कम 12-14 घंटे आप इकट्ठे गुजारते हैं, चाहे सोते हुए जागें चाहे जागते हुए गुजारें, तो मुसलसल एक दूसरे के साथ रहते हुए थोड़ी उकताहट भी हो जाती है, बंदा कुछ अनोइंग हैबिट्स होती हैं जो एक दूसरे की तंग करने लगती हैं, फिर
ख्वातीन का अखराजात के हवाले से मर्दों का डिपेंडेंट होना ज़्यादा भी काफ़ी खराबियां पैदा करता है। मर्द खर्चा रोकने की कोशिश करते हैं, जब बीवी बात नहीं मानती, बीवी के बस में भी जो कुछ होता है वो भी फिर रोकने की कोशिश करती है, वो परवाह नहीं करती, जज्बाती होके एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं और चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं और उनके दरमियान कुछ क्रिटिसिज्म सा चलता रहता है। और मियां बीवी के दरमियान क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है। एक कड़वापन सा आ जाता है, कड़वापन आ जाता है। फिर क्रिटिसिज्म में जब तौहीन शामिल होती है, जब आवाज ऊंचा होना शुरू होती है, जब अजीबोगरीब अल्फाज एक दूसरे के साथ कहना शुरू होते हैं, यानी तौहीन उसमें जब शामिल होती है, तो फिर खामोशी लागू हो जाती है और वो खामोशी बड़ी जहरीली होती है और बड़ी तकलीफ दे होती है। जब आप एक ही कमरे में हो, एक ही बिस्तर पे सोए हो, लेकिन आप एक दूसरे को बॉडी लैंग्वेज से मैसेजेस आप दे रहे होते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन एक्चुअली आप दूसरे को तकलीफ दे रहे होते हैं। बिल्कुल। सो असल बात यह है कि बात की जाए, क्योंकि ये जो एक फैसिलिटी है इसको मामूली ना समझा जाए। ये दुनिया में तमाम जानदारों में से ये सहूलत सिर्फ इंसान को दस्तयाब है कि वो बात कर सकता है, वो सोच सकता है, वो इम्प्रोवाइज कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो अपने बिहेवियर पे गौर कर सकता है। कोई दूसरा जानदार ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये सिर्फ इंसान कर सकता है। दूसरे जानदार सिर्फ घूर के, गुर्रा के, धक्कम पेल करके एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि कोई चीज उनको नापसंद आ रही है। सॉरी सर, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, इधर से ही कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब मसाइल जब आ जाते हैं कि वो तलखी भी पैदा हो गई, अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद इसका सलूशन क्या है, आपने किस तरह डील करना है इससे? सबसे पहले तो फैसला करें कि आपने गर्मी नहीं दिखानी, गुस्सा नहीं दिखाना, ठीक है, फट नहीं पड़ना और खामोश भी नहीं रहना, ठीक है। और अगर दूसरा फट पड़े तो फिर आप सुने, आप काफी देर तक सुने और क्यूरियसली गौर करें कि उसको क्या चीज बॉदर कर रही है, ठीक है। और अगर दूसरा क्लैम अप कर जाए, खामोश हो जाए बिल्कुल, तो फिर आप सवाल करें ऐसे जैसे क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, किस तरह। अच्छा, ये जो मामले को ठंडा रखना है इसका फैसला कर लें और फिर इसको आदत बना लें, क्योंकि जब तक आप आदत नहीं बनाएंगे, महज फैसला करेंगे, तो आप अक्सर औकात फिर लड़खड़ा जाएंगे, फिर आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा और फिर आप बाद में पछताएंगे और फिर बाद में आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कहता तो अच्छा था और मैं वैसा कहता तो अच्छा था। और अगर आपको लगे कि मामलात खतरे में है तो स्टेप बैक कर जाएं, बता के कि मैं दोबारा बात करूंगा, लगता है बात अभी किसी किनारे नहीं लग रही, ये बहुत वाइज। और आप बताते हैं कि जी कल या परसों 4 बजे या 2 बजे, व्हाटएवर, आप मानते हैं कि बात किसी किनारे नहीं लग रही, आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, और महज ना टालें, आप बकायदा बताएं कि आप कब बाहर निकलेंगे गुफ्तगू से और कब फिर गुफ्तगू में आप वापस आएंगे, ठीक। मतलब अच्छा, जब आप बात करते हैं तो फिर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ आपका जो दोनों का एक म्यूचुअल पर्पज है, यानी आप दोनों का गोल एक ही है, उसके ऊपर अगर आप तवज्जो देना चाहें, यानी दोनों का जो मुफाद है वो किसी ऐसी एक चीज में है जिस पे आप तवज्जो देना शुरू कर दें और एक दूसरे के साथ जो रिस्पेक्ट है उसको खराब ना करें, 1-2 दिन का वक्फा इंसान को काफी कुछ समझने में मदद देता है। बिल्कुल। तो अच्छा, उसका क्या करें, इंसान होते हुए हर इंसान को जब भी कुछ कहा जाता है तो अंदर से तो हमें पता होता है कि हाँ मेरे अंदर ये वाला मसला है, लेकिन हमारे फौरन से अपने शिकवे जाग जाते हैं कि अच्छा तुम्हें अगर मुझ में खराबी लगती है तो तुम में ये खराबी है, और उससे भी मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए? देखिये, पहली बात तो ये है कि हमें कभी भी
डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। हाँ। हमें अपनी बात अपने टाइम पे करना चाहिए, जब दूसरा कोई बात कर रहा है तो उस वक्त अपने सारे गिले शिकवे इकट्ठे करके उसके मुंह पे नहीं दे मारने। कितनी सोने की बात की है। अच्छा। कि इट्स अबाउट देम, उस वक्त जब वो बात करें तो उनकी बात सुननी। हाँ, आप हाँ। अपने वक्त के लिए चुन लें कि कब आपने बात करनी है, उससे पहले या उससे कुछ बाद, और ऐसा ना लगे कि आप ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और आप कभी भी बहाना ना बनाए किसी चीज का, क्योंकि अपनी गलती को मान लेना स्ट्रेट अवे दुनिया में सबसे आसान है और इसकी पनिशमेंट भी कम होती है। बिल्कुल। जब आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो अगर आपसे कोई जुर्म भी हुआ है, कोई ज्यादती भी हुई है, तो दूसरा लाजवाब सा हो जाता है। जब कहते हैं हाँ मेरी गलती हो गई, मैं देर से आया हूँ, मेरी मेस्ड अप हूँ, मुझे तैयार होने में देर हो गई, मुझे ये नहीं कि ट्रैफिक ज्यादा थी और फलां था और फलां था। हाँ, तुम भी तो 10 दफा लेट आ चुके हो। प्लस जिसका गुस्सा है उसके साथ बात करें, वो गुस्सा जाके किसी और पे मत निकालें, कमजोर बंदे पे, क्योंकि हम हमेशा एक तरफ जो है बहानेबाजी करके जान बचा रहे होते हैं, फिर कोई कमजोर बंदा ढूंढ रहे होते हैं और उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। और जब कमजोरों पे हम गुस्सा निकालते हैं तो हमें नेट प्रैक्टिस हो जाती है गुस्सा करने की, और फिर हम तगड़ों पे भी गुस्सा निकालते हैं, तो इससे बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। जब भी बात करें तो आप कायल करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन ब्लेड की तरह छीलने काटने की कोशिश ना करें, अग्रेसिवली बात ना करें, और अपने अंदर गौर करते रहें कि कब आपका टेम्परेचर जो है वो कुछ बढ़ रहा है, और कब दूध उबल के केतली से बाहर आके जमीन पे गिर जाएगा और फिर आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा। जब आप इस तरह अपने रवैयों पे गौर करते हैं तो एक आप आला इंसानी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जैसे कि आप बैठे हुए हैं तो आपकी एक जात बीच में से निकल के कुछ फासले पे खड़ी होके आपको देख रही है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। जैसे हम मेहमानों के सामने अपने घर वालों से पेश आते हैं, या मेहमानों के सामने अपने मुलाजमों से पेश आते हैं, या मातहतों के सामने साथ पेश आते हैं, तो वो एक तर्ज अमल है जो हमें जारी रखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कोई मातहत है या आपका ऐसे दर्जे में है जैसे बच्चे, आप वालदैन हैं और वो बच्चे, तो फिर आप किसी भी इशू पे बात कर रहे हैं और आपको जवाब में बदतमीजी मिलती है, तो फिर उस बात को छोड़ के आप बदतमीजी के ऊपर बात करें कि देखें ये जो आप आगे होके बैठे हुए हैं, घूर के मुझे देख रहे हैं और इस तरीके से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो मैं असल जो मौजू है जो आप ये आईफोन मांग रहे हैं उसमें मैं बात नहीं कर सकता, अभी मैं ये बात करूंगा कि अगर आप रिलैक्स होके पीछे बैठ जाएं और आराम से बात करें तो मैं इस वापस तमीज के दायरे में आ जाए, यानी इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप दूसरे को अगर बदतमीजी की इजाजत देंगे, अगर चाहे वो खामोश इजाजत होगी, तो फिर आगे पैटर्न ये बनना शुरू हो जाएगा कि एक दफा जो बदतमीजी होगी आगे वो बढ़ती चली जाएगी। तो चाहे मातहत हो, चाहे आपका अपना बच्चा हो, या आप किसी भी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आपकी पोजीशन जो है वो हदायतकार की है, जिसमें आपकी पोजीशन जो है निजाम चलाने वाले की है, तो फिर बदतमीजी की इजाजत ना दें। और मैं आपको बताऊं कि ये सोशल मीडिया भी हमें काफी बेझिझक करता है, क्योंकि दूसरा सामने नहीं होता, हम कुछ भी लिख के फारिग हो जाते हैं। और आप देखें कि सोशल मीडिया पे कितना यानी तूफान मचा हुआ है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी कह सकता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हर एक के हाथ में मीडिया आ गया है, हर एक के हाथ में अखबार आ गया अपना, वो जो निकाल सकता है किसी भी दिन में कई एडिशन निकाल सकता है, और उसके पास चैनल है वो लाइव स्ट्रीमिंग करके किसी को भी जो मर्जी कह सकता है। बिल्कुल। जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो याद रखें कि एक उसका आपके ऊपर भी बुरा असर होता है। जब आप किसी को हिट करते हैं एक झटका आपको भी लगता है, तो इसको एहतियात से देखना चाहिए कि कैसे हम तन्हाई में सोचते हैं, कैसे हम तन्हाई में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और क्या हम अपने दिल में जब सोचते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि हम कोई ठीक आदमी है, हम कोई अच्छे आदमी है। क्योंकि असल जिंदगी में कामयाबी इससे नहीं मिलती कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आपका स्टेटस क्या है। असल कामयाबी है कि आप अंदर से अपने आप के साथ कैसे महसूस करते हैं, आपका अखलाक कैसा है, आप शख्स कैसे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जाकिर, आपने बहुत अच्छी बातें की, और ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, अपने पल्ले बांधने की है, प्रैक्टिस करने की है। और जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस
करें, ये खुद ही आपको अपने एटीट्यूड में, अपने रिश्तों में और अगला इंसान आपके साथ कैसे पेश आता है इसमें भी फर्क महसूस होगा। डॉक्टर साहब को तो दुआएं दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सारे। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे रुखसाना हसन ने, जो कि एंजल्स ब्यूटी सैलॉन से आए और उनकी टीम भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम लोग हम लोग वापस आ गए, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। हम लोगों ने जितनी भी इस वक्त यहाँ पर जो तैयारी करनी है, किसको कौन सा मेकअप करना है, कौन सा हेयर स्टाइल करना है, स्किन केयर है, उस सब की बात हम लोग करेंगे और सबको बताएंगे भी। तो सबसे पहले तो हमारी माशाल्लाह यहाँ पे जो प्यारी प्यारी मॉडल्स हैं और साथ जो मेकअप कर रही हैं वो भी मॉडल ही लग रही हैं। तो मुझे बताएं क्या हम लोग कौन से दो लुक्स जो हैं वो आज तैयार कर रहे हैं? एक हम समर ब्राइडल लुक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम सॉफ्ट कलर यूज करेंगे। लेकिन उसके अंदर आजकल की जो भी ब्राइड आती है, इवन वो समर में भी आती है, तो वो रेड लिपस्टिक की डिमांड तो होती ही है हमेशा, तो उसके लिए तो हम मजबूर हैं। ठीक है, तो रेड लिपस्टिक तो हमने लगानी है, लेकिन आईज के ऊपर हम थोड़ी शिमरी लुक देंगे, ठीक है, और उससे सॉफ्ट लुक आएगी ब्राइड की। और दूसरा हमने कोई डार्क कंटूर हमने बहुत लाइट करना है, ठीक है, और उसकी वजह से हम इस ब्राइड को जरा समर लुक देंगे, जो देखे तो उसको सुकून मिले, वो एकदम से वो एहसास हो। हाँ, कि आजकल की गर्मी और हब्स और उसके ऊपर इतना ज्यादा मेकअप जब हो जाता है तो वैसे इंसान का दम घुटता है। मैं तो कहती हूँ विंटर में भी समर लुक दिया करें प्लीज, थोड़ा कम वो कहते हैं सरप्राइज नहीं शॉक हो जाता है ना जब मेकअप उतरता है, तो फिर ऐसा ही है बिल्कुल अपने आप को भी। अच्छा, तो रेड तो मुझे पता है कि बारात का रंग है जी, और वो तो कपड़ों में भी अगर ना हो तो बारात बारात नहीं लगती, लिपस्टिक भी वैसी ना हो तो नहीं लगती। तो महवेश आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या कलर्स आप यूज करने जा रही हैं, इनकी स्किन का थोड़ा सा मुझे बता दें, ड्राई स्किन के ऊपर ये मेकअप हो रहा है या ऑयली पर? ये ऑयली स्किन पर हो रहा है क्योंकि समर है तो उसमें वैसे भी हम लोग ऑयल कंट्रोल बेस यूज करते हैं, ठीक। तो इनका हम लोग कॉपर में लेके जाएंगे और गोल्ड में, कॉपर में, ठीक है, कॉपर और गोल्ड, क्योंकि लिपस्टिक हमने रेड कर दिए, आईज को थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे ताकि वो समर की एक फ्रेश सी लुक आ जाए, ठीक है। हम इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं और एक चीज जो है वो हम लोग शायद नोटिस नहीं करते हैं जब ब्राइड्स आती हैं कि ड्रेस तो हमारा हैवी होता है, लेकिन देखिए जैसे इनका चोकर है तो उसमें ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो अगर मुंह भी उतना ही भर जाए तो फिर वो एकदम अच्छा से नहीं लगता, बहुत ज्यादा स्पेशली समर में बहुत बुरा लगता है। हाँ। और वो तो ब्राइड को देख के ही सब घबरा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि सॉफ्ट लुक ही दूं, तो एंजल्स का सबसे बड़ा यही है, लोग आते हैं हमारे पास इसीलिए कि कंटूरिंग नजर नहीं आए। हाँ। और सॉफ्ट लुक देते हैं, और हमारा विंटर में भी बहुत सॉफ्ट मेकअप होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल जो आपसे हर ब्राइड मुझे लगता है पूछती होगी कि बेस जो है वो टूटे ना, लॉन्ग लास्टिंग हो, वो उतरे ना, लाइंस ना आए, तो उसके लिए क्या टेक्निक आप लोग यूज करते हैं? उसके लिए जरूरी ये होता है कि बहुत लाइट बेस यूज करें। जब आप ज्यादा बेस के ऊपर बेस, क्योंकि पहले जो डार्क कलर होता है हमारा, और टी जोन पे भी लोग यूज करते हैं डार्क शेड्स, तो उसको पहले हम सीलिंग कंसील करते हैं, तो कंसील में जब एक लेयर बेस की लगती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से बेस की टैपिंग होती है, फिर लिक्विड बेस होती है, तो उस पे फिर हैवी पन आ जाता है। हाँ, तो फिर क्रैक्स पड़ते हैं। हाँ, फिर वो ब्राइट जरा मुस्कुराती है तो क्रैक्स पड़ते हैं। तो मैं तो ज्यादा कोशिश ये करती हूँ कि कम से कम बेस लगे, और जितनी हैवी बेस लगती है उसमें मेच्योर लुक भी आती है, बिल्कुल एकदम से आंटी आंटी लुक आ जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आंटियों को भी जवान कर जवान दे। क्या बात है, ये तो हमने हर किसी का अरमान पूरा कर दिया है ना। अच्छा, दूसरी लुक हम कौन से करने जा रहे हैं? दूसरी हम जिस तरह ब्राइड के साथ उनकी सिस्टर होती हैं, नंदे होती हैं, तो हमने एक पार्टी लुक दी है, और वो भी सॉफ्ट मेकअप ही करेंगे, लाइट कलर्स में करेंगे समर के हिसाब से। तो उसमें भी हम आईज को लाइट करेंगे और साथ लिप्स को भी ग्लॉसी करेंगे, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, भाई की शादी हो या बहन की शादी हो, बेस्ट फ्रेंड की शादी हो, या अगर आप वो नई नवेली शादीशुदा भाभी हैं जो भी अभी आई हैं, आपको फर्क बड़ी मुश्किल से पता चलता है कि दुल्हन कौन है और के साथ वाले लोग कौन है, क्योंकि उतनी ही पुरजोश तैयारियों के साथ आए होते हैं। और मुझे पता है आपको अपनी शादी का जोड़ा बड़ा पसंद है, ये मेरा पर्सनल एतराज है, मुझे प्लीज जज मत करना, कि हर किसी को अपनी शादी का जोड़ा बड़ा पसंद होता है और उन्हें होता है कि दोबारा कहीं पहनना भी नहीं,
तो अगर आपकी शादी के एक महीने बाद किसी दोस्त की शादी है तो प्लीज अपना जोड़ा मत पहन के आया करो, वो उनका दिन है, ऐसा ही है। उनका दिन है, उन्हें दुल्हन लगने दो, है ना। अपना पूरा जो है ना वही चीज, सिर्फ वो सर से दुपट्टा उतार के साइड पे कर देते हैं, बिल्कुल, लेकिन फुल दुल्हन ही बन के आते हैं। मैंने तो बल्कि अक्सर मैं शादियों में जाती हूँ, वहाँ पे तो ऐसा होता है कि ब्राइड से ज्यादा उसकी बहन अच्छी लग रही होती है ना, और लोग मजाक में कह भी देते हैं कि जी आप दुपट्टा सर पे ले लें तो आप भी दुल्हन, आप भी साथ बैठ जाए। हाय देखें, अच्छा एक तो ये वाला हो गया, चलिए तो मजाक में भी बात कर लेते हैं। मैंने तो एक्चुअली लोगों को देखा, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली फैमिलीज के अंदर कोई ज्यादा वेल ऑफ होता है, कोई थोड़ा जो है नहीं उतना साहिब इस्तात होता, तो इस तरह की फैमिलीज में भी जाती हूँ मैं, कहती हूँ जिन लोगों के अंदर जरा सी भी अकल होती है या जरा सी भी तमीज होती है, इखलाक होता है, तो अगर आपको पता है कि आप किसी ऐसी शादी में जा रहे हैं जो लोग उतना नहीं अफोर्ड कर सकते जितना अल्लाह ताला का आप पे करम है, तो आप क्यों वो कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं और फिर जा जा के दिखाएंगे भी, एक एक आपको कड़ा भी गिनवाएंगे अपना, आपको ये भी बताएंगे, फिर पूछेंगे भी ऐसे, हाय अच्छा मेरी शादी पे तो मेरी सास ने मुझे ये दिया था, तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हें वो नहीं दिया, करते हैं ना ऐसे। लेकिन ऐसा मैं समझती हूँ कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, और जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं और दूसरे लोग भी उसको हैरत की नजर से देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर आई है एजुकेशन की वजह से। और अगर हम अभी माशाल्लाह मजहब फॉलोअर भी बहुत ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से ये चीजें चेंज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीजें कम हो गई हैं, लेकिन जो होते हैं उनको बुरी नजर से देखा जाता है, इस बात की खुशी है। लेकिन जो मुझे एतराज होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट ब्राइड लगे और बाकी सब सॉफ्ट लगे, इसीलिए मैंने आज ये सोचा कि ये दोनों सिस्टर्स भी हैं, और देखा ना सही मैंने रंग पकड़ी है और इसलिए मैंने फिर इनको चुना, और मैंने कहा कि एक बहन लगे तो बहन होना भी, मतलब बहन हो के बहन लगना चाहिए, बारात वाले दिन ना रेड कलर पे बैन होना चाहिए, दुल्हन के अलावा कोई रेड नहीं पहन सकता है, ठीक है, इस तरह के ना बैन, बाहर बैन, और जो उसको वहीं से वापस भेज देना चाहिए। बल्कि मैंने तो कई जगह पे महविश को कहती हूँ कि वो अगर पार्टी मेकअप में बहन या नंद लिपस्टिक रेड मांगे तो थोड़ा उनको रिलैक्स किया करो, उनको रिलैक्स किया करो, समझ तो आ गई होगी आपको, रिलैक्स कर दिया करो, उन्हें बोले नहीं है, ठीक है, इजी हो जाए। अच्छा जी, तो हम ऐसे करते हैं कि मेकअप आप लोग प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी, बल्कि एंजल्स की जो है ये आप लोगों के लिए प्रमोशन है, कि अगर आप हमारे थ्रू हमें कॉल करते हैं और हम आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और हमारी तरफ से आप जो है वो एंजल्स जाएंगे, तो वहां पर सारी सर्विसेज पे, ऑल सर्विसेज, जी जी, ओनली फॉर एटीवी, ओनली फॉर एटीवी, ऑल सर्विसेज पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आपने हमें कॉल करनी है, हम आपको एक वाउचर भेजेंगे, वो लेकर आप जाएंगे एंजल्स, तो आपको हर सर्विस पे जो है वो 50% ऑफ मिलेगा। सर्विसेज में क्या कुछ है वैसे, अगर मैं सर्विसेज में ऑल टाइप ऑफ फेशियल्स, अच्छा वैक्सिंग और इवन मेकअप मैनिक्योर या डेफिनेटली, अच्छा वो भी, और मेकअप आगे सीजन आ रहा है और स्पेशली मैंने एटीवी के लिए ये अनाउंस किया कि वो ब्राइडल पे भी इवन ब्राइडल बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि उनकी इवन दिसंबर में भी है, तो हम आज के दिन स्पेशली फॉर यू हम लोग 50% आपको देंगे। वाह जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो इस जो है ऑफर का फायदा उठाएं, मैं कॉल कीजिए, शॉर्टलिस्ट और जाएं, और आगे जो है ब्राइडल सीजन है जी, तो ये तो जल्दी से बुकिंग करा लें अपनी 50% ऑफ पे, बहुत अच्छा होगा। अच्छा फेशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे अच्छा फेशियल फॉर ऑयली स्किन स्पेशली इस मौसम में क्या है जो आप लोग ऑफर करें? उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऑयल फ्री प्रोडक्ट यूज करें। अच्छा, और आजकल का मौसम जो है वो चिपचिपा है और ड्राइनेस तो हो ही नहीं सकती, लेकिन पैचेस हो जाते हैं फेस पे, जगह जगह पे, हालांकि ये होने नहीं चाहिए, ड्राई स्किन है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन और फिर मुझे लगता है बहुत ज्यादा धो धो के भी ना, हर वक्त मुंह के ऊपर कुछ ना कुछ लगा, और लड़कियां ये करती हैं कि वो मिक्स क्रीम्स करके तो वो लगाती हैं तो स्किन डैमेज हो जाती है, और जब डैमेज हो जाती है तो हमारे पास आते हैं, लेकिन फेशियल्स की भी रेंज बहुत, प्लीज ये जो आपने मिक्स क्रीम्स की बात की ना, ये जरा, क्योंकि अक्सर जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट भी आते हैं, तो वो हमेशा मैं बताते हैं कि ज्यादातर लड़कियां कहती हैं कि हमें पार्लर से रेकमेंड हुई है ये, तो मतलब आपका भी अपना एक सैलून है, तो आप तो कभी किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ। ऐसी क्रीम्स भी होती हैं लेकिन वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होती हैं,
और डर्माटोलॉजिस्ट भी देते हैं, लेकिन जो वो घरों में मिक्स करते हैं, दो चार क्रीम्स हैं स्पेशल, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हाँ, लेकिन वो मिक्स करते हैं, वो बहुत डेंजरस होती है, वो स्किन डिजीज भी होती है उससे, वो तो बेहतर डर्माटोलॉजिस्ट भी बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी, और वो फर्स्ट और सेकेंड लेयर को बिल्कुल तबाह कर देती है। फेशियल्स लें, और फेशियल्स की रीजन अच्छा होने की ये है कि जब आपको किसी के हाथों से एनर्जी मिलती है और वो सेल्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं तो वैसे ही स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है, और क्लेंसिंग हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी आ गई हैं, इतनी अच्छी रेंज है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो फेशियल्स बेस्ट है, उसके अलावा तो बाकी आपको पता है डर्माटोलॉजिस्ट और भी आपको चीजें साथ साथ रिकमेंड करते रहते हैं। लेकिन फेशियल सब एक तो हर स्किन टाइप के लिए आ गया है, हर तरह का प्रोडक्ट आ गया आपको सूट करने के लिए, तो एक दफा जो है करा लेना चाहिए साफ करने के लिए। लेकिन प्लीज ये एक और बात है, उस पर बात करते हैं कि बच्चों को इसके ऊपर ना डालें। अभी जब आप बड़े हो जाए उसके, मुझे याद है मुझे कहा करते थे कि फेशियल्स वगैरह जो है वो 30+ के लिए होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना। हाँ सुंदर, अब मसला ये है, अब पोल्यूशन का मसला है, फिर हमारी डाइट, ठीक है, ये दो चीजें ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में भी क्लिनजिंग मैं रिकमेंड नहीं करती कि लॉन्ग फेशियल्स हों, लेकिन मैं रिकमेंड जरूर करूंगी कि क्लिनजिंग जरूर होनी चाहिए। बच्चियां घरों में भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि पार्लर्स में आए, और पार्लर्स में भी मैं तो सबको कहती हूँ कि CDA या कोई भी ऐसा महकमा होना चाहिए जो सैलॉन्स पे आए और वो चेक करे के सैलॉन्स कैसे हैं, हाइजीन स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, स्पेशली इवन मेरे सैलॉन में भी वो आए और वो चेक करें, क्योंकि अभी हमारे मुस्तकबिल में मैंने सबसे ज्यादा सैलॉन्स में ये प्रॉब्लम देखी है, तो मैं तो खुद बहुत वहमी हूँ, तो जिसकी वजह से मैं खुद एहतियात करती हूँ, लेकिन कोई हमारी एक मेरे जैसी है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ जी, स्पेशली क्योंकि हम लोग उस दिन हेपेटाइटिस डे था और हम ये बात कर रहे थे कि जो मैनीक्योर्स पेडिक्योर्स होते हैं इसके अंदर स्पेशली इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं अगर आपकी जितनी भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो स्टेरिलाइज ना हो। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महक दीदी, सुंदर क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप, थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है। और आज तो आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, कल तो मैं ढूंढती रही थी, बस देख ली, कल था ना मेरे कप के पास पड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, छोड़ते नहीं हम। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अच्छा मेरा सवाल बड़ा मजेदार है, पहले तो उसका जवाब देना कि अगर खोई हुई मोहब्बत और बचपन में से कोई एक चीज चुननी हो तो क्या चुनोगे? खोई हुई का तो पता नहीं है, अलबत्ता बचपन की मोहब्बत बहुत अच्छी है। बचपन की मोहब्बत? जी जी, बचपन में जो अपने माँ बाप से मिलती है, दोस्तों से मिलती है, तो वो खोती थोड़ी है, वो तो हमेशा रहती है, है ना? माँ बाप की मोहब्बत तो ताउम्र होती है। नहीं, उसके बाद में फिर वो जो दूसरी आ जाती है ना, फिर आप सोशली माशरे में चले जाते हैं तो फिर आपको जो दूसरी मोहब्बतें मिल रही होती हैं, अच्छा, वो फिर खो जाती हैं, कभी मिल जाती हैं। ये कसूर किसका है बहन? जब आप रिसीवर उठा लेती हैं तो हमें आपसे जो है वो मोहब्बत जो है वो फौरन मिल जाती है। क्या नहीं, मुझे गुनाहगार ना करो, मेरी वजह से माँ बाप की मोहब्बत मत ठुकराओ, मेरी मोहब्बत अपनी जगह अनकंडीशनल है, ठीक है? ठीक। मुझसे कोई सवाल है आपका? नहीं, आप अपना एड्रेस बताइए, पोस्टल एड्रेस आप अपना बताइए, बस इतना सा क्वेश्चन है। एड्रेस अपना बता दूं जी? ये तो साथ साथ चल रहा होता है, अभी आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, सो स्वीट, प्लीज मेरी मोहब्बत में अपनी ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है इसको मत ठुकराएं, मैं गुनाहगार हो जाऊंगी, ऐसे तो मत करें ना, वो तो मुझे लगता है अनकंडीशनल लव होता है माँ बाप का। ये तो है, लेकिन यूज टू हो गए ना आपके लोग, फॉर ग्रांटेड लेना। बिल्कुल, उन्होंने अपना काम खत्म करना है, सुंदर का शो आ रहा है और उन्होंने देखना है, यूज टू हो जाते हैं और मोहब्बत भी हो जाती है। ये भी सच है। बिल्कुल नहीं, मुझे भी आप लोग बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कॉल करते हैं। और क्या ये बताऊं मैं? अच्छा अच्छा, हमारा पोस्टल एड्रेस मैं आपको बता रही हूँ, प्लॉट 36 H9 इस्लामाबाद, ये हमारा पोस्टल एड्रेस है। तो अगर आप मुझे कोई मोहब्बत भरी चिट्ठी लिखना चाहती हैं तो आप मुझे भेज सकती हैं इसके ऊपर। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया शेफ बहादुर ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं जब भी आपका नाम लेती हूँ ना शेफ बहादुर ने, मुझे ऐसा नहीं होता अजीम ओ शान शहनशाह है ना, उस तरह की इंट्रोडक्शन लगती है मुझे शेफ बहादुर. अच्छा आपका नाम क्या, मतलब बचपन में आप बहुत बहादुर थे कुछ? पता नहीं दादा ने रखा हुआ है. उनको पता था कि आपने बहुत बहादुर होना? ये नहीं पता है. हाँ. लेकिन अच्छा. दादा ने बड़े प्यार से पाला है हमें. सो स्वीट सो क्यूट. देखिए ना फिर उधर से ही प्यार का नाम है. अच्छा जी क्या बना रहे हैं आज? आज हम चाइनीज एक कुजीन है फिश में. ठीक है. क्रिस्पी फिश विद चिली, ड्राई चिली भी बोलते हैं, ड्राई फिश चिली. और उसके साथ हमने कुछ डिशिंग किया वेजिटेबल्स के साथ. जबरदस्त. मैंने बीफ चिली ड्राई खाया हुआ है, चिकन चिली ड्राई खाया हुआ है, आज हम फिश चिली ड्राई बना रहे हैं. फिश चिली ड्राई. वाह जबरदस्त. ठीक है. फिश कौन सी हम यूज कर रहे हैं? ये हमारी फिश है, ये लोकल लोकल फिश है, फिंगर्स. यस. अच्छा ठीक है. सबसे अच्छी फिश वैसे कौन सी होती है आपका? तो उस इलाके से ट्राउट. ट्राउट तो बेस्ट है, आपको पता है. फ्रेश वाटर. बाकी अगर आप कॉन्टिनेंटल साइड पे जाए तो स्मोक जो सालमन फिश होता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. वो कौन सी होती है जैसे गोल सी फिश होती है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर का वो होता है, अक्सर सुशी और उन चीजों में यूज होता है. वो पॉम्फ्लेट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो गोल वाली फिश होती है? वो कुछ और है? नहीं वो पॉम्फ्लेट है. वो पॉम्फ्लेट है जो गोल फिश है. वो जी वो भी इसी का बस भाई है. अच्छा जी पॉम्फ्लेट हो गया फिंगर्स. ठीक है सही. तो हम इंग्रेडिएंट्स एक दफा बता दें. इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं. इसमें गार्लिक है चॉप, ठीक है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पपरिका पाउडर या आप रेड चिली पाउडर ले लें. ठीक है. उसके बाद बेकिंग सोडा है, क्रश चिली, रेड चिली क्रश है, सिसमी सीड्स है, लेमन जूस है, शुगर, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस है, और ये चॉप कोरिएंडर, जिंजर जूलियन है, ग्रीन चिलीज है, टमाटोज है, फ्रेश ग्रीन बीन, कैरेट. Okay. ये राइस हम उसके साइड पे सर्व करेंगे. और ये कॉर्नफ्लोर मैदा है, और ये फिश हमने क्यूब्स कटिंग में काटा हुआ. ठीक है. उसके बाद ये बेल पेपर, कैबेज, ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन. ठीक है सर. ढेर सारे लवाजमात है ना? बस वो है, लेकिन हाँ वो मसाले जो है ना वो आपके हम इधर सजा के रखते हैं, वैसे इतने ज्यादा नहीं होते. अच्छा सबसे पहले हमने फिश को मैरिनेट करना है. सबसे पहले हम इसको कॉर्नफ्लोर मैदे में और थोड़ा सा सॉल्ट पेपर मार के इसको मैरिनेट करेंगे फिश को. ठीक है. उसको फ्राई करेंगे. फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा लेमन जूस भी डालेंगे ताकि इसके स्मेल खत्म हो जाए. लेमन जूस और उसको लगा के इसमें फ्राई करेंगे. ऑलरेडी फ्राई जब आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो इसका स्मेल खत्म हो जाएगा. ठीक है जबरदस्त. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. जी स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ एक कॉलर भी है. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र. आपकी दुआएं हैं वो तो खैर है, आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके मेहमानों के लिए, सबके लिए है. अल्लाह ताला बहुत तरक्की कामयाबी दे आप लोगों को. थैंक यू जी. थैंक यू. आमीन आमीन सब आमीन. अच्छा मुझे बताइए मेरा जो सवाल है आज का कि बचपन या मोहब्बत में से कोई एक चीज अगर वापस मिल जाए तो वो क्या, आप क्या चूज करेंगी? मेरे ख्याल से इसमें दो राय हो ही नहीं सकती है. बचपन ऑब्वियसली मैं चूज करूंगी. बचपन क्यों? खास के उसमें बेफिक्री थी. हाँ. और यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह से आप आ जाते हैं और हर चीज की टेंशन होती है उसमें जस्ट मुझे सिर्फ ये लगता है कि आपको पढ़ाई और खेलने की टेंशन होती है. तो बचपन ऑब्वियसली, बचपन खालिस और सादी जो आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है ना, तो वो बचपन ही है. अच्छा आप सरप्राइज होंगे क्योंकि ये सवाल हम लोग यहाँ पर भी जो है सबसे पूछ रहे थे और बड़े लोगों ने जो है ना कि ये जवाब दिया कि नहीं मोहब्बत. मुझे लगता है अगर मोहब्बत साथ हो तो ये जो बड़े होके जितनी भी मुश्किलात होती हैं ये थोड़ी आसान हो जाती हैं झेलना. वो है लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बचपन है, मैं तो खैर वही बात है ना कि हर कोई इत्तेफाक हो सकता है ना करे. नहीं मैं करती हूँ. मैं भी डेफिनेटली बचपन चूज करूँ. वो केयरफ्री दिन दोबारा नहीं आते कभी भी जिंदगी में. बिल्कुल ऐसे ही है. वो आपके जो लाइफ का हिस्सा है, आप जिंदगी में जितने भी कामयाब हो जाए, आपको जितनी भी मोहब्बतें मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसका यानी हम कंपेयर नहीं कर सकते उस लाइफ को. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा है. और बचपन में कभी बड़े कह देते थे ना, स्पेशली अम्मी कहती थी कि बेटा अभी ये बचपन है ये वापस नहीं आएगा, तो अम्मी को गुस्से से देखना ना. आपको क्या पता अम्मी कितने हमारे मसाइल होते हैं. जी है. और ये लगता है कि जैसे अब ये बचपन खत्म नहीं होगा, हम इसी एरा में रहेंगे और यही सब एंजॉयमेंट. लेकिन आप झपकते, पलक झपकते जिसको कहते हैं ना, वो वक्त गुजर गया.
हाय बिल्कुल उदास करती है आपने मुझे, ऐसे तो मत करें। चलिए मैं आपके किचन सेगमेंट के हवाले से एक मैं फरमाइश कर लेती हूँ, तो आप सब कहे बगैर आप लोग पूरा कर देते हैं। मुझे जिस तरह से बकरा ईद आ रही है तो डिफरेंट जो है बारबेक्यू की डिशेस चाहिए, बारबेक्यू प्लेटर हम लोग कैसे रेडी कर सकते हैं, तो उसके न्यू आइडियाज दीजिएगा। और मेकअप के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल बड़ी सफोकेशन है और अभी हम फेस वॉश करते हैं या बाथ लेते हैं लेकिन फिर वही पसीना बिल्कुल बाहट होती है, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें यानी हम मेकअप को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूज करेंगे जिससे हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है जी, ठीक है हम आपको ये बता देते हैं। बहुत बहुत आपने अच्छे जो है ना फरमाइश की है, क्योंकि एक तो आपने ये जो बकरा ईद का बताया कि प्लेटर तैयार किया जाए जिसमें डिफरेंट बारबेक्यू, ये कितना अच्छा है, सही है ना। एक तो हम ये कर सकते हैं, एक स्पेशल डिश है जो मैं आपको बकरा ईद के बाद ही जो है बनाना वो सिखाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर आजकल बारिशें हो रही हैं तो वो वैसे ही नहीं बन सकती क्योंकि उसको धूप में पहले जो है सुखाना पड़ता है। सेम हमारी तरह हम गांव में जो है ना गिलगित साइड में ज्यादातर, आपको पहले भी मैंने बताया था कि ज्यादातर हम लोग चीजें जो है ना ड्राई करके रखते हैं, ड्राई करते हैं जिस तरह यही ये ठंडे इलाकों की जो है ना ये स्पेशली डिश है क्योंकि इट्स वेरी वेरी वार्म, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो मुझे याद है कि जब बकरा ईद सर्दियों में हुआ करती थी जब ज्यादा ठंड थी तो तब तो ये बहुत रेगुलरली हम लोग, इसका पुलाव भी बनता था, इसको पश्तों में कहते हैं तरोजे। अच्छा। और ये बनते हैं स्पेशली दुम्बे की जो रान होती है उसको स्ट्रेट लंबा लंबा जो है वो काट के लंबी लंबी स्ट्रिप्स उसके ऊपर नमक लगा के फिर इसे धूप में कुछ दिन सुखाया जाता है और जब वो कम्प्लीटली सूख जाती है फिर उसको कोल पे जो है वो पकाया जाता है और उसका वैसे भी तिक्कों की तरह भी खा सकते हैं, बहुत मजे का होता है, वरना उसका पुलाव भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी तासीर बहुत गर्म होती है तो गर्मियों की बकरा ईद में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम है बनाना, लेकिन इस दफ़ा आपको बनाना सिखाएंगे। मैंने अपनी टीम से भी वादा किया है कि हम जो है ये इंशाल्लाह इस दफ़ा बनाएंगे। आप लोग भी इसी तरह बनाते हैं? जी सेम ऐसे, सेम ऐसे ज्यादातर ड्राई करते हैं ना, मीट हो गया जिस तरह ये अगर सितंबर में उसको ड्राई करते हैं, एक वो लकड़ का एक तख्ता टाइप का होता है उसमें बीफ के स्ट्रिप्स काट के उसको ड्राई करते हैं। अच्छा, और ज्यादातर ये होता है कि सर्दियों में तो उधर इधर से टमाटर या ऐसी चीजें नहीं आ रही होती तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर टमाटर को भी सन ड्राई करते हैं। हाँ। उसका पाउडर बना के रख देते हैं। जबरदस्त। अब सर्दियों में हम लोग सालन के तौर पे वही पाउडर यूज करते हैं, सालन बनाया उसमें एक चम्मच वो उसका जायका वगैरह वैसे ही होता है, टेस्ट ऐसे ही आता है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये फिश हमारे साथ साथ फ्राई हो रही है, मैं एक दफा जाऊंगी मेकअप देखने के लिए कि हम कहां तक पहुंचे। जी मुझे बताइए, पहले ये वाला चेक कर लेते हैं जी, क्या कुछ किया हमने यहाँ पे भी? यहाँ पे हमने आई शेड लगा दी है, लैशेज अप्लाई कर दी है, अब लाइनर लगा रही है, लाइनर लगा रहे हैं, ठीक है। शेड जो है हमने कॉपर और पीच दी है, जो इनके ड्रेस में कलर है वही हमने उसके अकॉर्डिंग का मेकअप किया। ठीक है जबरदस्त। यहाँ पर अभी तक क्या हुआ ये आपको ही मुझे बताना पड़ेगा कि माइक जो है वो होने लगा हुआ है। महेश आप ही मुझे बता दीजिए, यहाँ पर ग्लिटर आई शेडो लगाया हमने? जी ग्लिटर आई शेडो लगाया है, कॉर्नर हमने थोड़े डार्क रखे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी ब्राइडल लुक आए इनकी। ठीक है, लगाई हैं और जो सवाल उन्होंने पूछा वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि इस मौसम में जहाँ ह्यूमिडिटी है और चिपचिपाहट है मुँह पे तो कौन सी इस तरह की या कौन सा सी टेक्निक्स यूज की जाए जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो? मेकअप से पहले जरूरी ये है कि स्किन का ख्याल रखा जाए। अगेन मैं वही बात करूंगी कि उसके लिए ऑयल कंट्रोल फेशियल वॉशेस है वो यूज करें, उसके बाद क्लेंजर है, ये ऑयल फ्री क्लेंजर्स है वो यूज करें, उसके बाद टोनर का यूज करना बहुत मुफीद है। ठीक है। टोनर जब आप यूज करते हैं तो आपके पोर्स वो जो ब्लॉक कर देता है और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप टोनर स्पेशली गर्मियों में यूज नहीं करेंगे तो फिर वो ऑयल आता रहता है और फिर उसके बाद पैचेस भी पड़ते हैं, लाइंस भी आती हैं और दूर से चमकता हुआ चेहरा नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब तो किस मेकअप स्प्रेस भी आ गए इस तरह के जो सेट कर देते हैं। हाँ जी, फिक्सर स्प्रेस है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए ना, बेस जब अच्छी होगी तो उसके ऊपर जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो बेहतर ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्प्रेज भी है, स्प्रेज फिर फिक्सर्स हैं और उससे भी बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन मैंने जो अपने मेकअप में देखा है
जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो जो भी हम मेकअप करते हैं तो वो हम टोनर जरूर यूज करते हैं क्लिंजर के बाद. अच्छा सही. तो वो फिर ऑयल कंट्रोल्ड होता है तो उससे हमारा मेकअप जो है वो ज्यादा. दूसरा मैं अगेन यही बात करूंगी कि बेस जो है वो कम से कम यूज करें और पाउडर जो है वो ऑयल को कंट्रोल करता है. बिल्कुल सही. तो आपने जो है स्पेशली अगर आपकी टी जोन ज्यादा ऑयली है तो वहां पर आप जरूर पाउडर जो है वो यूज करें. इसी तरह सेटिंग पाउडर्स भी आते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं. टी जोन से एक बात मैं बताना चाहूंगी कि उसमें ये है कि टी जोन में ज्यादातर लोग शिमर यूज करते हैं शाइनी नोज. ऑलरेडी उसमें ऑयल होता है टी जोन में तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि शाइनर यूज ना करें. बहुत ज्यादा जरूरत है तो नोज के पास थोड़ा सा कर दें लेकिन पूरी ये लाइन आती है और यूं जाती है तो वो ब्राइड बैठी हुई बहुत अजीब सी लगती है. हाँ, वो तस्वीरों में भी जो है ना आपकी बिल्कुल यहाँ पे टी एक बना हुआ होता है. आई थिंक सो कि ये वाला जो हाईलाइटर है जो आपने यहाँ पर यूज करना है वो थोड़ी ड्राई स्किन के लिए क्योंकि उनकी बिल्कुल फिर मैट हो जाती है तो उसके अंदर आप वो यूज कर थोड़ा सकते हैं. बोन्स को हाईलाइट करने के लिए तो हाईलाइटर यूज करते हैं लेकिन जो टी जोन एरिया है उसको थोड़ा सा मैट ही रखें तो बेहतर है और थोड़ा सा नोज के एंड पे थोड़ा सा यूज करने से वो लुक आती है. अच्छी लुक ग्लो आपकी जो है ना जो आपको चाहिए वो आ जाएगी. ठीक है. दूर से जब ब्राइड्स को आपको पता है बहुत दूर से लोग देख रहे होते हैं तो आपको हर चीज को कंटूर भी करना जरूरी है और कुछ चीक बोन को हाईलाइट भी करना जरूरी है. बिल्कुल. तो उसको फिर आपस में मिला नहीं सकता ये मतलब सामने जो है टी जोन भी चमक रहा है तो चीक बोन्स भी चमक रही है वो अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल डेफिनेटली. टाइम छोटी सी ब्रेक का हुआ है. ब्रेक आपसे वेलकम बैक टू आवर महकता किचन. कितना मजेदार जो है ना खुशबू आ रही है इस पर. क्या कर रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं अभी? अभी ये हमने फिश को फ्राई किया हुआ है उसमें हमने ऑयल गार्लिक ग्रीन चिली जिंजर और सारी सब्जियों को टोस्ट करके फिर फिश डाल देंगे उसमें थोड़ा सोया सॉस ऑस्टर सॉस शुगर ब्लैक पेपर और चिली. डिपेंड करता है चिली आपको कितना स्पाइसी आपने खाना लेकिन इस डिश का नाम भी चिली है तो नहीं ये स्पाइसी होती है. जी ये स्पाइसी होती है जी. और इसमें ग्रीन स्पाइस है तो आई थिंक सो वो इतनी नुकसानदेह भी कोई नहीं है. नहीं ग्रीन स्पाइस आप जितना भी डाले इतना ठीक है. अच्छा ठीक है जी. तो ये हम साथ साथ करते हैं और आपको मैं जो हूँ लुक भी दिखा दूँ. हमने कंटूरिंग जो है वो कर ली है जी. बताइए रुखसाना. पार्टी मेकअप तो डन हो गया. ठीक है. हमने यहाँ पे बिंदिया भी लगा दी है और इनकी कंटूर भी. अच्छा कंटूरिंग से एकदम आपके फेस कट्स जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं. और ये भी हम फाइनल टचेस दे रहे हैं जी. ठीक है जी. आपको हम जो है फाइनल टच भी दिखाते हैं और इसके अलावा वो हमने जो बात हम रोज बता रहे हैं वो भी आज बतानी है दोबारा. नहीं हाँ जी वो भी हमने दोबारा बतानी है कि आपको मैं रोज एक बात बता रही हूँ और आज भी दोबारा ये बताना चाहूंगी. प्लीज इसके ऊपर अमल भी कीजिए. हम लोग इसके बारे में बार बार बात कर चुके हैं कि कहीं पर भी आपको अगर कोई मशकूक एक्टिविटी नजर आती है कोई ऐसा शख्स नजर आता है कोई ऐसा अनअटेंडेड बैग नजर आता है कोई गाड़ी नजर आती है जिसके आसपास उनके ओनर नहीं है और आपको शक हो रहा है कि यहाँ पर किसी और वजह से खड़ी है तो आपने प्लीज 1717 पर कॉल करके इसको रिपोर्ट करना है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा होने वाला हो तो उसको रोक लिया जाए टाइम पे और आपकी एक इत्तला जो है वो बहुत सारी जानें बचा सकती है. कोई गाड़ी आप रेंट पे देना चाह रहे हैं या आप कोई घर रेंट पे देना चाह रहे हैं तो आईडी कार्ड्स डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने पास रखनी है और ताकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पर भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो उसको ट्रेस बैक किया जा सके. अपने आईडी कार्ड का ख्याल रखें और अगर आपसे गुम जाए उसके ऊपर एफआईआर प्लीज कटवा लिया करें ताकि किसी भी अगर खुदा ना खास्ता वारदात में वो यूज होता है तो पता हो कि वो आपके पास नहीं था. इसी तरह अपना सिम को अपने नाम पर रजिस्टर करवाइए. ये तो आपको बहुत दफा कह चुके हैं ये बार बार मैसेज चलता भी है तो एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें. बी रिस्पॉन्सिबल बी अलर्ट एंड
ताकि हमारा मुल्क जो है वो सेफ रह सके। अच्छा जी, मेकअप हमारा कम्प्लीट हो गया जी? बिल्कुल ठीक है, एक दफा हम फाइनल लुक दिखा देते हैं। जो फाइनल टचेस होते हैं कभी खत्म नहीं होते, मुझे लगता है ये स्टेज तक चलते हैं हमारे साथ। बिल्कुल है ना, सही है। क्या हमने किया है अभी और कंटूरिंग जो है किस फेस के हिसाब से किन एरियाज में ज्यादा होनी चाहिए? अगर आप मुझे एक दफा प्लीज मॉडल्स को देखने दें तो हमारे पास कौन सी फेस टाइप्स थी यहाँ पे? दो, ये तो क्योंकि इनके तो नॉर्मल फेस है, ऑलरेडी कंटूर्ड है। अच्छा। लेकिन इनको इतनी ज्यादा कंटूरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली कंटूरिंग में ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि लाइंस ना नजर आए, ब्लेंडिंग हो, जो भी हम करें कंटूरिंग वो ब्लेंडेड हो। हाँ, दूसरा ये जो हमारी डबल चिन होती है उसके अंदर हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। हाँ, तो हमेशा डबल चिन को यूं महसूस करके और जहाँ पे हो तो फिर वो शेड्स का यूज करें, क्योंकि इनका तो ये नॉर्मल ही है। हाँ, तो इनकी ऑलरेडी। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हम लोगों ने, क्योंकि वो थ्री वाली कंटूरिंग सीखी हुई है कि ये किया और ये किया, तो हम ये नहीं देखते कि नीचे जो शेड, मतलब अगर आपकी यहाँ पर डबल चिन है तो उसको भी पूरा शेड करना है ताकि आपका फेस जो है वो हाईलाइटेड हो और ये जो है वो कंटूर हो जाए ताकि वो नजर ना आए। मेकअप का शेडिंग में ब्लेंडेड होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो वो सामने सामने लाइंस कंटूरिंग की नजर नहीं आनी चाहिए, वो ब्लेंडेड हो। बाकी यही डबल चिन का ख्याल, ज्यादातर लोगों की डबल चिन का प्रॉब्लम होता है। हाँ, उसको फिर यूं चिन को नीचे करके देखें आपकी कितनी है और उसके हिसाब से फिर उसको कंट्रोल कर लें, उसके हिसाब से उसे कंट्रोल कर लें। ठीक है, बाकी आपने चीक बोन्स देखे इनकी, इनकी बहुत अच्छी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। ये सबसे बेहतरीन आपने इनकी लिपस्टिक लगाई है कि वो इतनी अच्छी जो है वो लिप्स की शेप जो है वो बन गई है। और ज्वेलरी भी इनकी आप देख लें कि अगर वो चोकर है तो साथ में बहुत ज्यादा ओवरडन जो है बाकी सब कुछ नहीं हुआ है, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों अगर तैयार हैं तो आप एक दफा अगर सामने आ जाएं ताकि हम आपकी कंप्लीट लुक जो है वो दिखा दें। आप आ जाइए, आपने तो इयररिंग्स नहीं पहने, पहन लें साथ साथ ज्वेलरी भी जो है वो आप पहन लीजिए। वैसे आप लोग ऐसे भी बहुत हसीन लग रहे हैं, मुझे तो मिनिमलिस्ट लुक जो होती है वो ज्यादा मजेदार लगती है, बहुत अच्छी लग रही है। और आप वाकई जो है ब्राइड की बहन लग रही है जी, खुद ब्राइड नहीं लग रही आपका, लेकिन निकाह हो सकता है इसी लुक में। ये निकाह की लुक भी जो है ना वो भी अच्छी बन गई है लाइट सी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। थैंक यू आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए। एक दफा फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलो कॉल कीजिए और आप जो है अगर हमारी रेफरेंस से जाएंगे एंजल्स ब्यूटी सैलून में तो आपको 50% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज मिल सकता है। थैंक यू शेफ बहादुर, थैंक यू टीम फॉर बीइंग हियर, थैंक यू हमारी प्यारी मॉडल्स। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।